रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक। नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं thelallantarp.com। भारतीय रेल नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, लेकिन ये कीर्तिमान गर्व के नहीं शर्म करने वाले हैं। ये कीर्तिमान है ट्रेनों के लेट पहुंचने के। मतलब हालात तो ये हैं कि अगर अब कोई ट्रेन ऑन टाइम हो तो शायद कई लोगों की ट्रेन मिस हो जाए। पहले लोग ट्रेनों से घड़ी मिला लेते थे, ऐसा कहा जाता है। अब भी किसी ने मना नहीं किया, मिलाना है तो मिला लो, लेकिन घड़ी आपकी 4 घंटे से 24 घंटे या कभी 50 घंटे तक पीछे हो जाएगी। लेकिन 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 बस अब बहुत हुआ। अब लगता है कि भारतीय रेल के अच्छे दिन आने वाले हैं। अब शायद ऑन टाइम पहुंचने के मामले में भारतीय रेल जापान की ट्रेनों को भी पीछे छोड़ दें। और ये हुआ है एक जुगाड़ के चलते, जिसमें ट्रेनों के पहुँचने का टाइम ही बढ़ा दिया गया है। साउथ रेलवे ने ट्रेनों के रन टाइम को 1/2 घंटे से 1 घंटे तक बढ़ा दिया है। मतलब जिस ट्रेन का टाइम पहले 6 घंटे था, अब उसका रन टाइम बदलकर 6.5 घंटे या 7 घंटे कर दिया है। और ऐसा एक दो नहीं, 90 के करीब ट्रेनों के साथ किया गया है। दूसरी भाषा में कहें कि जो ट्रेन पहले 1 घंटा लेट कहलाई जाती थी, वह अब ऑन टाइम कही जाएगी। यही हाल दिल्ली से संचालित होने वाली ट्रेनों का भी होगा। उनके भी रन टाइम को बढ़ाने के रास्ते में कदम बढ़ने शुरू हो गए हैं। और ऐसा फिर से 90 के करीब ट्रेनों के साथ होगा। मतलब गाड़ी बुला रही है के बाद गाना गाड़ी रुला रही है, गाने का वक्त आ चुका है। मित्रों, अगर आप किसी खेल में लगातार हार रहे हों तो आप या तो जीतोड़ मेहनत करें या फिर खेल के नियम बदल दें। सरकारें हमेशा दूसरा रास्ता चुनती आई हैं, और ये मामला भी कोई अपवाद नहीं है। इससे पहले GDP से लेकर बेरोजगारों को कैलकुलेट करने के मामले में भी मोदी सरकार ने यही जान पट्टी दिखाई है। एक तरफ अपनी पीठ थपथपाने वाले स्वनिर्मित रिपोर्ट कार्ड, और दूसरी तरफ अगर कोई तटस्थ रिपोर्ट, मतलब जिसका बायस्ड ना हो, ऐसी रिपोर्ट सरकार के खिलाफ हो तो उसे नकारने में सरकार कोई हील हुज्जत नहीं करती। खैर, आप जाते जाते एक शेर मुलाहिजा फरमाइए, अपना चेहरा ना बदला गया, आईने से खफा हो गए। अगर आपको इस खबर में कुछ अच्छा लगा है तो मेरी तारीफ में 4 पन्ने लिखिए, और अगर आपको बुरा लगा है तो दर्पण जी को याद कीजिए, हमारे साथी, उन्होंने ही ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में पढ़कर आप तक पहुँचाई है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू।